आईटी स्पोर्ट हिंदी, मैं आपका फ्रेंड जितेंद्र। दोस्तों आज बात करेंगे, बहुत बड़ी अपडेट आई है फेसबुक की तरफ से, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और तफसील से बताऊंगा कि क्या अपडेट आई है। बेसिकली अपडेट आई है फेसबुक एड ब्रेक के बारे में। फेसबुक एड ब्रेक आपको पता है, फेसबुक ने एड ब्रेक लॉन्च किया हुआ है, पिछले साल से ये लॉन्च हो चुका है, बट उसमें काफी सारे बदलाव किए गए हैं। तो क्या बदलाव है आज हम उसके बारे में जानेंगे और आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि वो अपडेट है तो है क्या। फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आप सबसे बात करता हूं कि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो प्लीज वीडियो को शेयर और लाइक तो जरूर कीजिएगा, और चार से चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन के घंटे को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जो फ्रेंड ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू है, बट जो फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं तो उनके लिए रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं। अब बात करते हैं फेसबुक की जो नई अपडेट आई है उसके बारे में। फ्रेंड ये मेरा आईटी स्पोर्ट हिंदी का फेसबुक पेज है, जिसकी यार लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहते हैं तो आप पेज को लाइक कर सकते हैं और इसमें से आप वीडियो देख सकते हैं, जो कि वीडियो आप YouTube पे देखते हैं वही वीडियो आप इस पे देख सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो मेरी YouTube पे नहीं मिलती है तो आप यहाँ पे आके वो वीडियो देख सकते हैं। अब अपडेट के ऊपर चलते हैं कि क्या अपडेट आई है। देखिए फ्रेंड Facebook मोनेटाइजेशन में एक नई अपडेट है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ Facebook एड ब्रेक में। देखिए पहले था कि आपको 10,000 फॉलोअर्स या फिर लाइक कंप्लीट करने पड़ते थे, बट अब जो अपडेट आई है उसमें आपको सिर्फ 1,000 लाइक या फॉलोअर करने हैं, उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे एक यहाँ से ज़्यादा है तो ऑलरेडी टिक लग चुका है। अब इसमें जो नई चेंजेस आई है वो चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। पहली चीज़ है एंगेजमेंट, आपकी कम से कम 1500 एंगेजमेंट होनी चाहिए। 1500 एंगेजमेंट का मतलब है कि आपकी हर वीडियो में मिला के 1500 एंगेजमेंट होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरा 82% कंप्लीट हो चुका है, बाकी अभी पेंडिंग में है, ये भी एक दो दिन में अंदर कंप्लीट हो जाएगा और आप यहाँ देखेंगे कि ग्रीन टिक लग जाएगा। अब बात करते हैं आगे मिंट व्यू। देखिए आप 7 दिन के अंदर 1,80,000 मिंट, मतलब कि 3,000 घंटे आपने कंप्लीट करने हैं। 3,000 घंटे कंप्लीट करने के बाद आपका यहाँ पे एक टिक लग जाएगा। अब ये टिक लगेगा तभी आपका जो चैनल है मोनेटाइज होने के लिए जा पाएगा, क्योंकि अगली अपडेट भी इसी के साथ है। देखिए आपका 1 मिनट से लेके 3 मिनट के अंदर वीडियो पर व्यू होना चाहिए। इसमें आपके मिनट, आप 1 सेकंड देखे 1 मिनट देखे उसका यहाँ पे आपका जो टाइम है वहां पर यहाँ पे काउंट हो जाएगा, बट यहाँ पे 1 मिनट से लेके 3 मिनट तक आपको वीडियो को व्यू करना पड़ेगा, जो भी आपकी वीडियो को देख रहा है। इसमें आपने 30,000 कह सकते हैं मिनट पूरे करने हैं, जैसे कि ऊपर आप 1,80,000 मिनट पूरे करने थे, यहाँ पे आपने 30,000 मिनट पूरे करने हैं 1 मिनट के हिसाब से, कि आपकी वीडियो 30,000 बंदे देख ले 1 मिनट तक। आपने ऐसी वीडियो बनानी है जो कि 30,000 बंदे 1 मिनट तक देखे, तभी आपका ये पूरा होगा। और ये तीनों चीजें आपने 60 दिनों के अंदर करनी है, मतलब कि 2 महीनों के अंदर ये तीनों चीजें आपने करनी है, तब आप मोनेटाइजेशन के लिए वैलिड होंगे। जैसे ही आप मोनेटाइजेशन के लिए वैलिड होंगे आपके नीचे यहाँ पे मोनेटाइजेशन के ऊपर जाने का सेटअप खुल जाएगा, और साथ ही साथ आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाएंगे। आपको पता है यूट्यूब और फेसबुक पे सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि यूट्यूब पे आपको जो सीपीसी प्राइस है वो कम मिलता है, और फेसबुक पे सीपीसी प्राइस बहुत ज्यादा है, क्योंकि फेसबुक पे अब भी ज़्यादातर वीडियो लोग नहीं डाल रहे थे, क्योंकि फेसबुक की जो पहले थी कि 10,000 उन्हें फॉलोअर या लाइक होने चाहिए, क्योंकि 10,000 का टारगेट अचीव करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत कम लोग होते हैं जो 10,000 का टारगेट अचीव कर पाते हैं। और उसके बाद आपको ये 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक वाली वीडियो को भी अचीव करना जरूरी होता है, कि 30,000 मिनट आपकी वीडियो 1 मिनट तक चलनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक टारगेट था, पर फेसबुक ने इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया है और 10,000 मिनट से आपका सीधा ही 1,000 फॉलोअर या 1,000 लाइक पे ले आया। फ्रेंड मैं इसी तरह की अपडेट लाता रहता हूँ, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।